Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, Shamim Collegiate by Sir Tariq. Lesson 18, English Sentences in Urdu. Aaj hamara lesson 18 shuru hone ja raha hai. It is very short lesson because I don't have much time to teach. To mere paas zyada waqt nahi hai padhane ka. So this is the reason हम शुरू करते हैं अपना लेसन. गौर से सुनिएगा, ये जो जुमला आ रहा है आपने बहुत दफ़ा सुना होगा लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया. कॉल सेंटर जब आप कॉल करते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है सुनने को, हाय दिस इज तारिक, हाउ मे आई हेल्प यू. हाउ मे आई हेल्प यू. How may I help you? 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 मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? What is your father? What is your father? ये जुमला बड़ा शॉर्ट है. आपने इससे पहले पढ़ा था कि आपके अब्बू क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर. अब है व्हाट इज योर फादर, कि आपके अब्बू क्या हैं या क्या करते हैं. सही है, कौन हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं. ये अमेरिकन लैंग्वेज में है ये जुमला कहा जाता है, वहां व्हाट डज योर फादर डू नहीं कहा जाता बल्कि व्हाट इज योर फादर कहा जाता है, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं. अम्यूज, 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 किसी को हंसाना. शी अम्यूजेज मी, वो मुझे हंसाती है. डोंट अम्यूज मी, मुझे मत हंसाओ. डोंट अम्यूज हिम, ही इज एंग्री, उसे मत हंसाओ, वो गुस्से में है. तो ऐसे बहुत से जुमले आप बना सकते हैं. इसके लिए अगला पढ़ते हैं. स्पेंजर, स्पेंजर, ओ की आवाज नहीं आएगी, ए की आवाज आएगी, ये बात याद रखिएगा. स्पेंजर, 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 मुफ्त खोर, या जो यू कैन से इसका फ्री लोडर कह लें कि हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए. वो मिसाल सुनी होगी आपने कि जो लोग होते ना बस कहीं भी खाने को मिले छोड़ेंगे नहीं, या कोई दोस्त बोल देगा यार सिगरेट, हाँ यार पिलाओ पिलाओ पिलाओ, पूछोगे भी नहीं, फिर भी पूछेगा कि भाई ये खिलाओ वो पिलाओ. तो मुफ्त खोर जो फ्री फंड का खाए, काम वाम ना करे, इसकी लगनी मायने होते काम ना करे, सिर्फ खाए पिए, तो उसे मुफ्त खोर कहा जाता है. स्पेंजर, स्पेंजर, इसको जुमले में कैसे बनाएंगे. ही इज स्पेंजर, यू आर स्पेंजर, वी आर स्पेंजर, दे आर स्पेंजर, वो मुफ्तखोर है, ही इज स्पेंजर. नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सब्स्टिट्यूट है ये, मुतबादिल कह लें इसे. फ्री लोडर, फ्री लोडर, फ्री लोडर, फ्री लोडर, फ्री लोडर, मुफ्तखोर, फ्री लोडर, मुफ्तखोर. अगला इससे पहले भी आप कर चुके होंगे लेकिन ये डिफरेंट वे में आया है. इस ये मुहावरा है एक्चुअली, इडियम्स जिसे कह लें, टेक योर पाइप एंड स्मोक. अगर इसके ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा लेकिन इसका मतलब है अपने काम से काम रखो. टेक योर पाइप एंड स्मोक, टेक योर पाइप एंड स्मोक, अपने काम से काम रखो. इसके बाद दोबारा मुहावरा आ रहा है. मुहावरे बहुत अच्छे होते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो. यू ऑफ्टन क्रिकल बट नेवर ले एग, इसको कुछ इस तरह भी पढ़ते हैं लोग. यू ऑफ्टन क्रिकल बट नेवर ले एग, यू ऑफ्टन क्रिकल बट नेवर ले एग. ऑफ्टन, ऑफ्टन दोनों पढ़े जाते हैं. अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें लेकिन आपको जो अच्छा लगे पढ़ने में वो आप पढ़ें. मुझे ऑफ्टन बेहतर लगता है ऑफ्टन पढ़ने से, तो सो आप कुछ भी पढ़ लें. यू ऑफ्टन क्रिकेट बट नेवर ले एग, तुम बोलते बहुत हो पर करते कुछ नहीं.
ये आप दोस्तों को बोल सकते हैं मजाक मजाक में, पीप इन, किसी की अचानक तेजी से किसी तरफ झांकना या किसी घर में झांकना या किसी तरफ भी झांकना जहां इजाजत ना हो और आप देखो, पीप इन, डोंट पीप इन, मत झांको। तो ये है सेंटेंसेस आज के, मैंने पहले ही कहा था जुमला शुरू करने लेसन स्टार्ट करने से पहले ही, बिफोर स्टार्टिंग लेसन आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी शॉर्ट, मैंने पहले ही कहा था ये काफ़ी शॉर्ट है बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू टीच, मेरे पास वक्त नहीं है पढ़ाने के लिए, सो आई होप यू डोंट माइंड। लेकिन 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 एक दफा मैं पढ़ा के फिर गोल्डन वर्ड्स पे आता हूँ, क्योंकि आज के गोल्डन वर्ड्स बहुत ज़बरदस्त है। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं। अम्यूज, किसी को हंसाना। स्पेंजर, मुफ्तखोर, फ्री लोडर, मुफ्तखोर। टेक योर पाइप एंड स्मोक, टेक योर पाइप एंड स्मोक। यू ऑफन क्रिकल बट नेवर ले एग, यू ऑफन क्रिकल बट नेवर ले एग, यू ऑफन क्रिकल बट नेवर ले एग। तुम बोलते बहुत तो करते कुछ नहीं, पीप इन, झांको मत। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसकी हेडिंग गुड फ्रेंड है, क्योंकि ये जो गोल्डन सेइंग है या यू कैन से मोबाइल लैंग्वेज के जो SMS होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों को किए जाते हैं, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली कॉपी तो मैंने आज से 10 साल पहले की थी, छः महीने 4 महीने पहले की थी। तो अब मैं, हम देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ज़बरदस्त कूट है, कूट को मैं थोड़ा सा और ज़रा बेहतर कर लूँ। नाउ यू कैन सी क्लियरली, अब आप आसानी से साफ देख सकते हैं। रिमेंबर मी, मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग पे भी ध्यान दें, अगर मेरी मेरी कहीं गलती हो तो मुझे भी बताइएगा। रिमेंबर मी लाइक अ प्रेजेंट, रिमेंबर मी लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर, रिमेंबर मी लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर इन योर नोटबुक। रिमेंबर मी लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर इन योर नोटबुक। रिमेंबर मी लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर इन योर नोटबुक। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इट विल नॉट बी हैविंग फ्रेग्रेंस। क्या लफ्ज है? फ्रेग्रेंस। फ्री, फ्री की आवाज निकालें क्योंकि ए का साउंड नहीं आएगा। फ्रेग्रेंस। बट रिमाइंड यू ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मैंने पहले भी बताया था ये एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखिएगा। एग्जिस्टेंस फॉर एवरी फॉर एवर इन योर लाइफ एज अ गुड फ्रेंड। एक दफा पूरा रिपीट करता हूं फिर इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं। रिमेंबर मी लाइक अ फ्लावर और लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर इन योर नोटबुक। इट मे नॉट बी हैविंग फ्रेग्रेंस बट रिमाइंड यू ऑफ माई एग्जिस्टेंस फॉर एवर इन योर लाइफ एज अ गुड फ्रेंड। मे बी यू नो वेरी वेल, शायद आपको ये पता हो या ट्रांसलेट पता हो, लेकिन मैं कर देता हूँ। रिमेंबर मी, याद रखो, याद रखना मुझे या याद रखो मुझे। लाइक अ प्रेजेंट फ्लावर, अभी प्रेजेंट हाल, फ्लावर फूल, ऐसे जैसे अभी फूल हो, पड़ा हो, इन योर नोटबुक, अब तुम्हारी किताब में या कॉपी में या लिखने वाली जो बुक होती है, लिखने वाली किताब होती है, उसमें रखा हो। रिमेंबर, मुझे याद रखो, इस तरह जैसे तुम्हारी बुक में एक फूल पड़ा है। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का मतलब हाल नहीं बल्कि मौजूद होना एक तरह से है। इट मे नॉट बी हैविंग फ्रेग्रेंस, आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर कोई परफ्यूम लेते हो या एयर फ्रेशनर लेते हो,
उस पर ये लफ्ज लिखा होता है फ्रेग्रेंस, क्या लिखा होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू को कहते हैं। अब ये मतलब समझते हैं, इट मे नॉट बी हैविंग फ्रेग्रेंस, ये शायद खुशबू ना दे रहा हो, ये शायद खुशबू ना दे रहा हो। क्या ना, कौन क्या ना दे रहा हो खुशबू, फूल, क्योंकि वो पड़ा पड़ा काफी पुराना हो गया होगा, शायद वो खुशबू ना दे रहा हो। बट रिमाइंड यू ऑफ माई एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंट वजूद या मौजूद या होना, तो यहां पे अब पढ़ते हैं बट, लेकिन रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाएगा, रिमाइंड याद दिलाना, रिमाइंड यू ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में, एज अ गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त, जैसे अच्छे दोस्त, यानी एज अ फ्रेंड, दोस्त की याद दिलाएगा, इस तुम्हें रिमाइंड यू एज ऑफ माय एग्जिस्टेंस, तुम्हें याद दिलाएगा या तुम्हें एहसास दिलाएगा अब तुम्हारी जिंदगी में दोस्ती का, हमारी दोस्ती को, या हमें याद, यू कैन से इस तरह समझ लें आप, इसको मिसाल इस तरह दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसलेट को तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, जब हम कोई एक दोस्त की निशानी रखते हैं किताब में, फॉर एग्जांपल रख लें, उस किताब में एक फूल रखा आपने, जो सालों हो गए मुरझा सा गया होगा, या पत्ते पत्ते सिर्फ नजर आ रहे होंगे, वो खुशबू तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन वो लम्हे याद दिलाएंगे उस दोस्त के, जिस दोस्त ने दिया था, और जिंदगी भर वो याद दिलाते रहेंगे। जब भी आप अपनी नोटबुक खोलोगे, तो जब भी आप उदास होते हो, तो अपने दोस्तों को याद करते हो। सो दिस इज माय 18 लेसन, एंड दिस इज तारिक, एंड प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय फादर मदर एंड माय चिल्ड्रन, माय चाइल्ड सॉरी, एंड माय वाइफ, ईच एंड एवरी पर्सन, प्रे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में हर किसी के लिए दुआ करें, हर किसी के लिए, नो मैटर, कोई ये नहीं देखें कि वो किस रिलीजन से है या कहाँ से बिलोंग करता है, जस्ट प्रे फॉर हिम हर, दुआ करें अल्लाह हमें और आपको नेक बनाए, अच्छे काम करने की तौफीक दे। और एक गुड न्यूज़ है, I will start, inshallah, after this lesson, I will start teacher training lesson, inshallah, and उस पर मैं research कर रहा हूँ बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं उस चीज़ को कभी भी आपके सामने ज़ाहिर नहीं करूँगा, या वो चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जिस चीज़ में मैं खुद वीक हूँ, या मैं उसमें यह समझूँ कि मैं कोई गलती करूँगा। गलती तो हो जाती है, लेकिन जानबूझ के गलती एक अलग चीज़ होती है। हाँ, बेध्यानी में, जैसे जल्दी में पढ़ने में गलती हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि पढ़ाने से पहले रिसर्च कर लूँ, रीड कर लूँ, या एक्सेंट चेक कर लूँ, प्रोनंसिएशन चेक कर लूँ, लफ्ज़ की अदायगी चेक कर लूँ, छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लूँ, ताकि आपको मसला ना हो। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह। For teachers, I will try to make a course for teachers, and in that course, I will make inshallah more than 50 videos for teachers. So hope if you wanna become a teacher, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप बनना चाहते हैं teacher, you will watch my videos and remember me in your prayer, me and my family. मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, और दुआओं में खसूसन याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तला विस्ता, चाओ, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग www.englishcourse.tk, इंग्लिश लैंग्वेज, English-Language-Online.tk
blogspot.com. So I hope you enjoy a lot. Take care.